तो भाई ये बांग्लादेश में देखो भजन बज रहा है यार, और देखो भाई ये है बांग्लादेश यार, ये है खूबसूरती कि यहाँ पे सारे लोग जो है मिक्स रहते हैं, आपस में रहते हैं एक साथ। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफर। तो मैं हूँ बांग्लादेश ढाका में, और भाई ढाका मुझे इतना पसंद आया यार, वाकई में यार, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है। तो सीन क्या है, अभी जो हम जा रहे हैं, यहाँ की जो माइनॉरिटी कौम है यानी जो हिंदू लोग हैं, वो उनकी ज़िंदगी किस तरह की है, क्या हिंदू वाकई में यहाँ प्रेशर में है या किस तरह की ज़िंदगी है, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक फेमस टेम्पल है, वो देखने के लिए जा रहे हैं। बाकी यार कुछ मिथ थे, जब मैं बांग्लादेश आया नहीं था ना, उससे पहले बांग्लादेश को लेकर मेरे मन में बहुत सारे डर था। स्पेशली इसके लिए मैंने बहुत सारे ब्लॉग देखे थे, जहाँ पर ब्लॉगर कह रहे थे कि आपका मोबाइल छीन ले जाएगा, ये होगा वो होगा। भाई देखो मैं चल रहा हूँ, भाई चल रहे हैं मेरे साथ में, ये बांग्लादेश से ही है, मुझे इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। रही बात क्राउड की, तो क्राउड हर सिटी में होता है, लेकिन यहाँ आप देखिए कितना खुला खुला आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मतलब जो कुछ यूट्यूबर है उन्होंने तो ये साबित कर दिया था कि ये पूरा एक ऐसा स्लम एरिया है। देखो नो डाउट हर जगह, जैसे मुंबई में स्लम एरिया है, हर जगह होते हैं, बट ऐसा नहीं है जैसा यूट्यूबर्स के जरिए दिखाया गया है। भाई बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत प्यारा देश है, और बहुत प्यारा शहर है स्पेशली ये। तो आप देख सकते हो ये इस तरह का व्यू है कुछ इस समय यहाँ का। भाई यहाँ पर देखो ये चने जो होते हैं ना हमारे, वहाँ पर दिल्ली वगैरह में मिलेंगे आपको, ये गोलगप्पे वगैरह होते हैं इस तरह, सेम आपको यहाँ भी मिलेगा। और ये यहाँ का प्लेग्राउंड है जो आप देख सकते हो, ये इट इज़ ओपन फॉर ऑल, ये सभी के लिए ओपन है यार। आप देखो बिल्डिंग, आप देखो कितनी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है पीछे। तो भाई ये चाय जो अपने इंडिया में होती है सेम इसी तरीके से, और मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं एग्जैक्टली इस समय कलकत्ता में या फिर बंगाल, हाँ वही बंगाल कलकत्ता में घूम रहा हूँ। ये आप देखिए, तो ये जो शेख हसीना है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, और भाई यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो इन्हें पसंद ही करते हैं ज़्यादातर यहाँ पर लोग। और ये यहाँ की जो है डबल टेकर बस है, आपको ये वाली बस ज़्यादातर यहाँ पर मिलेगी, ये आप देखिए। तो आप देखिए कितना खुला रास्ता है, और कितने आसानी से चल रहा हूँ मैं कितना आसानी से चल रहा हूँ। तो ज़्यादातर ब्लॉगर्स क्या करते हैं, एक दो आपको स्ट्रीट दिखाते हैं जो ज़्यादा वो वाली हैं, बाकी एग्जैक्टली ये इसकी दूसरी साइड है भाई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की। क्योंकि जब मैं बांग्लादेश नहीं आया था ना, मेरे अंदर इतना डर था यहाँ को लेकर के बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आप खुद ही देख सकते हो कि कितनी आसानी से मैं जो चल रहा हूँ और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखो एक टेम्पल है, जिस टेम्पल को हम देखने के लिए जा रहे हैं। ये देखो यहाँ के भाई इस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, ये देखो, हालांकि गाड़ी जो वगैरह जो होती है कवर्ड होती हैं यहाँ पर। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो टेम्पल है ना भाई बहुत पुराना है, ये 1200 शताब्दी का है, ये देखो 1200 शताब्दी ना, बहुत पुराना टेम्पल है भाई ये, आप देखिए यहाँ का टेम्पल है। और इसी टेम्पल में जो है हम जा रहे हैं। ओ भाई देखिए कितना बड़ा टेम्पल है भाई, और पूरा कॉम्प्लेक्स भी कितना बड़ा है जो आप ये देख रहे हैं, ये आप देखिए। और इसके बाद यहाँ पर ये है श्री श्री ढाकेश्वरी नेशनल टेम्पल, और आई थिंक ये बहुत पुराना टेम्पल है यहाँ का। तो ये आप नाम पढ़ सकते हो टेम्पल का। अभी हम अंदर जा रहे हैं, और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप टेम्पल देख सकते हो, ये देखिए। तो भाई ये यहाँ का टेम्पल आप देख सकते हो, और यहाँ पर ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है। और इसकी बराबर में यहाँ पर आप ये झील वगैरह आप देख सकते हो। तो हमें कुछ यहाँ पर बांग्लादेश के लोग मिले। ब्रदर हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट इज योर नेम? माधव चंद्र कर्मकर। माधव चंद्र कर्मकर। ओके, यू आर स्टूडेंट? यस। व्हिच क्लास? इयरिंग्स। ओह ओके, यू आर फ्रॉम ढाका, एंड योर नेम ब्रदर? ओके ओके, यू आर ब्रदर? या फ्रेंड। ओके, वन मोर थिंग, हाउ मेनी हिंदूज लिव इन बांग्लादेश? 2 crore. ओके, 2 crore, एंड दे आर हैप्पी? एनी प्रेशर? नो, बट देर आर सम इंडिविजुअल क्राइसिस। ओके ओके, नॉट रिलीजियस, नॉट मैटर। ओके 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 ओके, थैंक यू ब्रदर। तो भाई मुझे तो यहाँ के लोग बहुत प्यारे लगे, बहुत ही अच्छे लगे यार, मतलब हिंदी समझ रहे थे, मतलब मेरे साथ हो रहा था मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा था, वो हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के इमोशन को समझ रहे थे। और
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर। और अभी बाहर चलते हैं और थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इस चीज़ को। तो अभी हम मंदिर से बाहर आ गए, यहाँ पर एक डेडिकेटेड मार्केट है जो स्पेशली माइनॉरिटी यानी जो हिंदू लोग हैं उनकी मार्केट है यहाँ पर, मतलब तो वहीं पर जम जा रहे हैं। तो वहाँ पर एक टेंपल और भी है, तो भाई यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही स्पेस वाली जगह है। मैं बार बार स्पेस पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दिमाग में ये डाल दिया कि यहाँ पर इतना क्राउड है क्राउड है क्राउड है। भाई कोई गली क्राउड वाली होती है, हर गली नहीं होती है भाई। तो है ये, तो दोस्तों ये है यहाँ की ओल्ड सिटी और यहाँ के लोग ज़्यादातर भाई आपको मालदार मिलेंगे, क्योंकि भाई जब बांग्लादेश इनके हिस्से में आया तो ये ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे थे। और ये आप देखिए, तो ये एरिया जो है काफ़ी पैसे वाले के है। ये फर्नीचर आप देख सकते हो, फर्नीचर का काम इधर आपको बहुत मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, तो सामने जो दिख रहा है ना ये यहाँ के सेंट्रल जेल है, बहुत पुरानी, मतलब जब ये मतलब भारत का हिस्सा था उस समय की। अब तो ये केवल म्यूजियम है। और इधर देखो यार, आपको इतना फर्नीचर का काम बहुत मिलेगा यहाँ पर, ज़्यादातर इस मार्केट में आपको फर्नीचर का काम ही मिलेगा भाई। ये है भाई सुल्तान पार्क, ये देखो बिल्डिंग भाई ज़बरदस्त। तो इधर पर आपको ज़्यादातर डोर मार्केट मिलेगी, ज़्यादातर आपको दरवाजे, फर्नीचर का इतना काम मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। ये देखिए आपको शटर गेट दरवाज़ा, ये देखिए ज़्यादातर ये पूरा डोर मार्केट है, आपको चौकट वगैरह इस तरह। इधर आप देख सकते हो रास्ता, देखो कितना चौड़ा है यार। ये देखिए बहुत बड़ी मार्केट है भाई, ये पूरी जो गेटों की मिलेगी आपको। ये देखिए इधर भी यार, ये देखिए, ये देखिए भाई। तो भाई ये मार्केट अच्छी है, ये है बरीशल ज्वेलर्स और यह है ताती बाज़ार, यहाँ की गोल्ड मार्केट। एग्जैक्टली यहाँ की ये गोल्ड मार्केट है, ये आप देखिए भाई। तो भाई ये यहाँ की सबसे एक तरह से पोज और रिच मार्केट कह सकते हो ताती बाज़ार। टोटल आपको यहाँ पर हर दुकान गोल्ड मिलेगी, ये आप देखिए भाई। तो ये यहाँ के गोल्ड बाज़ार है। तो यहाँ पर आप ये शॉप देखिए भाई ज्वेलर्स की, और ये है यहाँ पर और बहुत सारी शॉप आप यहाँ पर देखेंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको जो है ज़्यादातर ना मार्केट में जो दुकानदार मिक्स मिलेंगे, और ज़्यादातर यहाँ पर जो है आपको वो हिंदू लोग मिलेंगे। और ये जो टेंपल देख रहे हो ना, यहाँ का तापी बाज़ार टेंपल है जो आप देख सकते हो सामने, सॉरी ये देखिए। तो ये है तापी बाज़ार टेंपल यहाँ का, और मैं आपको शॉप दिखाता हूँ यहाँ पर। तो भाई ये यहाँ का ना सबसे फेमस हिंदू होटल है, यहाँ पर आपको टोटल वेज खाना मिलेगा, और काफ़ी फेमस होटल है यहाँ का, ये आप देखिए। तो ये जो रास्ता है, हालांकि ये है तो तापी मार्केट, बट ये सामने जो आप टेंपल देखोगे ना, ये यहाँ का सबसे फेमस टेंपल। तो भाई मैं काली मंदिर बोला था, एग्जैक्टली ये वासुदेव टेंपल है, ये देखिए। और कितना पुराना इस पर लिखा हुआ है यार, मुझे तो आज ही नहीं बांग्ला। और पुराना है वो 1381 का है, 1381 और 1381 का ये काफ़ी पुराना टेंपल। थैंक यू ब्रदर। ये आप देखिए वासुदेव टेंपल, और यहाँ पर यार लोग मिक्स रहते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मैंने यहाँ देखी कि कई सारे मिक्स रहे टूटे, एक तो मोबाइल को लेकर था, और दूसरा ये था कि यार बहुत क्राउड है। क्राउड तो मार्केट में होता ही है, दूसरा ये है बिल्कुल सेफिस्ट हो यार, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। भाई ये अपनी जलेबी माशाल्लाह देख ही रहे हैं आप, और आगे देखते हैं। ये देखिए भाई, आई थिंक ये देखिए भाई छोले, और यहाँ पर ये आप देख सकते हो पूरी मार्केट आ गई मिक्स मार्केट। तो भाई ये है शाकाहारी बाज़ार, यानी यहाँ पर प्रॉपर आपको जो हिंदू मार्केट मिलेगी। ये देखिए भाई, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो हिंदू बहन भाई हैं उनकी लाइफ किस तरह की होती है। टोटल शाकाहारी बाज़ार मिलेगी आपको, पूरा मार्केट जो मिलेगी आपको प्योर वेजिटेरियन, देखो वर्षिप बैरा सामान मिलेगा। ये देखिए, ये है यहाँ का झंडा, और ये आप देखिए भाई, और आई थिंक ये भी टेम्पल ही है शायद। हाँ ये टेम्पल है यहाँ का, काली मंदिर। अच्छा ये है काली मंदिर, यहाँ का फेमस टेम्पल है भाई ये वाला जो आप देख रहे हैं। और ये इसके सामने का माहौल है भाई, ये आप देखिए भाई। तो ये पूरी मार्केट काफ़ी बड़ी है ना, ये मार्केट
हाँ काफी बड़ी। तो इसे बोला था शाकाहारी मार्केट। यहाँ पर आपको जो शॉप मिलेंगे टोटल फॉर ओनली फॉर हिंदू। ये आप देखिए भाई, ये देखिए, बांग्लादेश में लोग ना मिक्स तरह से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हिंदुओं के लिए अलग कोई जगह है, मुस्लिमों के लिए जगह है, लेकिन सारी मार्केट मिक्स मिलेगी। बट ये जो मार्केट है स्पेशली डेडिकेट है हमारे जो हिंदू भाई बहन भाई उनके लिए है। और अब देखो अजान हो ना, मैं तो सोच रहा था अजान हो रही है बट अजान नहीं है। तो यहाँ पर मंदिर में ये भजन चलने लगा है। और यहाँ पर जितनी भी दुकानें मिलेंगी वो सारे आपको जो है यहाँ पर ये देखिए देख सकते हो आप। सच में ना बिल्कुल इतना अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इंडिया में हूँ या दिल्ली में हूँ या मान लीजिए मैं लखनऊ में हूँ या ऐसी जगह घूम रहा हूँ, लग ही नहीं रहा कि बांग्लादेश घूम रहा हूँ मैं। और भाई बहुत ही अच्छा कल्चर है, बहुत लोग खुश रहते हैं, दे आर ऑल हैप्पी।